हेलो दोस्तों, नमस्ते। आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ, उसका नाम है बेसन की शिमला मिर्च की सब्जी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि शिमला मिर्च किस तरह से बनाई जाती है और इसके लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है। ये हमने 500 ग्राम शिमला मिर्च लिया है, इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। ये हमने आधी कटोरी बेसन लिया है। मसालों में हमने ये गरम मसाला लिया है, ये हमने अमचूर पाउडर लिया है, ये हमने नमक लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, धनिया पाउडर लिया है, ये जीरा लिया है, कसूरी मेथी लिया है और हल्दी पाउडर लिया है और ये हमने हींग लिया है। ये हमने जो मिर्च ली थी उसको हमने बारीक काट लिया है। अब हमने पैन रख दिया, इसमें हम तेल डाल देंगे। अब हम इसमें गरम हमारा तेल हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। हींग डाल देंगे। और ये मिर्च डाल देंगे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इसको हम चलाएंगे। ये सारे मसाले हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, अब हमारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट हो गए, अब हम देखते हैं कि हमारी सब्जी हुई है या ना हुई। अभी थोड़ी शिमला मिर्ची पकी नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए और रख देंगे। अब हमारे 5 मिनट और हो गए हैं, तो अब हम देखते हैं। देखिए, अब हमारी शिमला मिर्च हो चुकी है। अब हम इसमें बेसन डाल देंगे। और इसको हम मिक्स कर देंगे। इसमें हम कसूरी मेथी भी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब हमने बेसन मिक्स कर लिया, अब इसको 2 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे, जिससे हमारा बेसन सिक जाएगा। अब हमारे 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे और गरम मसाला डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। अब देखिए, हमारी सब्जी बिल्कुल बनके तैयार हो गई। अब हमने एक बाउल में निकाल लिया, अब ऊपर से थोड़ा थोड़ा धनिया डाल देंगे। अब हमारी शिमला मिर्च की सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे जरूर बनाइए, खाइए और खिलाइए।
आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।